अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? तो आज फिर एक बार मेरा स्टे है और जद्दा की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट आज की थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी हम लोग होटल आ गए। मैं आप लोग को रूम दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। और आज मैंने रूम शेयर किया है निम्रा के साथ। हेलो, कैसी हो? आई एम गुड। और मैंने अपने यहाँ पे ड्रेस भी रख लिया है प्रेस वगैरह करके। प्रेस तो था पर ऐसे मैंने रख दिया क्योंकि मेरा हैंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और मुझे तो आ रही है बेहद किस्म की बहुत शदीद वाली नींद, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो मैं तो बस अभी सोऊंगी। बाकी इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अभी इन्होंने अपने लिए क्या मंगवाया आपने? नूडल्स। कौन से वाले? रेड वाले, चटपटा। उन्होंने अपने लिए नूडल्स मंगवाए हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फ़्लाइट अच्छी थी, अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब आप लोग कहेंगे पता नहीं ऐसा क्या हो गया फ़्लाइट पर। तो अभी मैं तो बस सोऊंगी और फिर उठने के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। बाकी भी क्रू में अपना आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन है मेरे साथ और कौन कौन नहीं। जी तो भाई यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देखें आप लोग मेरा ड्रेस। और कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को मेरा ड्रेस कैसा लगा। और बाकी जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं वो सारे कमेंट्स मैं और शाहरुख हम दोनों पढ़ते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं सबके कमेंट्स। हाँ, और सबके रिप्लाई भी हम लोग करते हैं। तो इसी तरह आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। डिनर पे हम लोग आ चुके हैं, मैं आप लोग को रेस्ट दिखाती हूँ। ये देखें आप, मिस क्या हुआ? बाउल वगैरह नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को? मिस निम्रा ढूंढ के लाई है बाउल। मिस फातिमा, बाउल नहीं मिल रहे थे? लग रहा है वलीमा है किसी का यार। थैंक यू निम्रा, हम लोग बहुत नॉर्मल से ही तैयार हुए हैं। जी तो खाना वगैरह तो हमने नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि वलीमा था किसी का। तो अभी निम्रा ने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हो रही हूँ तो मैं कहाँ रूम में लेके जाऊंगी, मैं रूम में खाऊंगी। ठीक है निम्रा, आप बेफिक्र हो जाएं इस चीज़ से। आज वाकई बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। बाकी नींद भी आ रही है यार थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी हम लोग पूल साइड आए हुए थे पर आज करने का कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों आज अजीब अजीब सा कुछ लग रहा है ना निम्रा? आज कुछ ज़्यादा दिल नहीं कर रहा है। आज हम लोग बहुत लेजी हुए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जबकि उठे हुए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया पर दिल नहीं कर रहा आज कुछ भी करने का, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं हम लोग। चलें बस मैं अब आप लोग को मिलवाती हूँ अपने बाकी क्रू से और कैप्टन एफ ओ से भी मिलवाती हूँ। निम्रा क्या कहती हैं, आज ले लें कैप्टन लोग को भी ब्लॉग में? जैसे आप बोले। नहीं नहीं, आई थिंक फॉर यू। हाँ अब देखते हैं कैप्टन आते हैं या नहीं आते, देखते हैं वो लोग आते हैं या नहीं। बाकी आज तो मिस फातिमा लिफ्ट नहीं करवा रही। मिस फातिमा हम चल के आते, क्या हाल है? ठीक हूँ, कैसी हो? मैं बनाऊँ कैमरा दो, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ यार, आपको तो ले लिया। सपोर्टेड मिस रिजा, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लिफ्ट नहीं करवा रही। बस इतनी सी बात है, इसलिए सारी लिफ्ट आपके लिए। अच्छा? क्या करिए, हमारे पास कैप्टन है, कैप्टन से बात करें ना, मिलवाएं जो आराम कर रहे हो। ये बहुत मेहनत थी कैप्टन ने। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी प्यारी सी बच्चे रिजाब के लिए? रिजाब भी बोर हो रही है, मैं भी बोर हो रहा हूं। तो सर आप म्यूजिक एंजॉय करें ना। म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं यार। मैं जरा सर से पूछें, उन्होंने कोई इमरजेंसी फेस की कभी फ्लाइट में? बताएं कैप्टन। इमरजेंसी तो नहीं थी हमारे साथ, पेशावर में वेदर मिला था बहुत सीवियर था और हम डेविएट कर रहे थे, काफ़ी टर्बुलेंस हो रही थी। जो हमारी पर्सनल थी वो थोड़ी सी डरपोक थी। ये आप नहीं बता सकते? ये तो मैं नहीं बता सकता। और फिर वो पुरानी बात, एयरब्लू की सही सही, और वो पर्सनल ने चीखे मारनी शुरू की। उन्होंने चीखे मारी तो सारे पैसेंजरों ने कहा कि हमारा भी काम होने लगा, उन्होंने भी चीखे मारी। और वो हो गए होंगे पैनिक में आ गए। वो जो पर्सन थी वो अपने नेल्स बाइट करती थी। अच्छा, तो उनके नेल्स नहीं थे, लेकिन जब हम लैंड किए तो उनके साथ जो क्रू बैठी हुई थी शी वाज ब्लीडिंग। उन्होंने इतनी जोर से उसका हाथ मारे कि वो ब्लीड कर गई। मतलब बहुत ज्यादा डरपोक थी पर्सन, बहुत ज्यादा। इतनी डरपोक पर्सन का कोई काम नहीं होता।
पर्सर बनाया किसी ऐसी और ये हवा किसी में भी एयरब्लू को पता चल गया ना, सबको स्टोरी पता है एयरब्लू का। वो पर्सर कौन थी अब हमें क्या पता सर, आप ये भी नहीं बता सकते। हम तो एयरसेल के प्राउड टू बी एयरसेल के। जिक्र करोगी ना वो बता देगा ना। वेरी सिंपल। मिस्टर जाप क्यों परेशान है? परेशान नहीं हूँ, आज मैं बहुत थकी हुई लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। एक्चुअली मैं आप सबको बताती हूँ, ये बेचारी इसलिए परेशान है कि मैं व्लॉग का कंटेंट क्या निकालूं, क्या डालूं, मुझे कोई इमरजेंसी बता दे, कुछ किस्सा बता दे। सो गाइस ये सब आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हैं, आप सबके लिए परेशान है कि अब पब्लिक क्या देखेगी, क्या दिखाएंगे, अपना कुछ स्पेशल कंटेंट होना चाहिए, फजूल का इधर उधर का उठा के नहीं डाला जाता। स्पेशल सोचती हैं बेचारी, परेशान हो जाती है, नन्नी सी जान इतनी मुश्किलों में आपकी वजह से। आप मुझे बताएं बीइंग अ क्रू आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कैबिन क्रू बनूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ा शुरू शुरू में? शुरू में ऐसा तो कुछ भी नहीं, बाकी हाँ जैसे अभी जद्दा की फ़्लाइट होती है, इन पे कुछ पैसेंजर्स होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। कभी कभी किसी को गुस्सा भी आ जाता है, पर मुझे कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं आया, और मुझे हंसी तो इतनी ज़्यादा आती है कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं पागल हूँ, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग्स। बीइंग अ क्रू क्या पर्क्स हैं आपके? होटल स्टेज, फ्री का खाने, फ्री का घूमना फिरना। बस मेरा ये कि मुझे जहाज़ ना, मैं कहती हूँ मेरी पहली मोहब्बत है, और मैं उसको रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जहाज़ पर रखोगे ना मैं खुशी खुशी रहूँगी बस, बाकी होटल वगैरह इनसे मुझे कोई वो नहीं है। मैं रोज़ आपको क्रू पर्क्स नहीं चाहिए, आपको बस एयरक्राफ्ट बस जी, बहुत ज़्यादा। नाइस। निम्रा को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो ये बहुत तेज़ी में जा रही हैं, क्योंकि अब टाइम ख़त्म होने वाला है खाना खाने के लिए। निम्रा हौसला रखें, टाइम ख़त्म नहीं होगा। सॉरी। चलो भाई इनके लिए मैं सिर्फ आ रही हूँ, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो क्या खाने का इरादा ही बताओ? आई डोंट नो, आई थिंक राइस देखते हैं, क्योंकि उस टाइम नहीं खाए थे हमने। ओके भाई चलो आप खा लेना। इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे सिर्फ ये देखते हैं, इतना ठंडा पानी, बहुत देर से मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। निम्रा सर प्लीज़ इसको ओपन कर दो यार, थैंक यू यार, तुम बहुत अच्छी हो यार। यार सुकून मिल गया पानी पी के, बहुत इतनी प्यास लग रही है आज पता नहीं क्यों। मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये बंदी कितनी भूखी हो रही थी, आप बस ये चेक कीजिएगा। और मैंने बोला इनके बाल खुल रहे। बहुत भूखी थी बहुत, और ये मैडम नहीं आ रही थी। नहीं यार मैं आपके लिए कैसे नहीं आती, अब मैं सुकून से खा रही हूँ। आपने मुझे कहा था कि रिजर्व फ्लाइट स्वैप नहीं कराओ, मुझे तुम्हारे साथ स्लिप करना है, करना था, तो फिर मैं कैसे नहीं आती? अब सुकून है, अब बिल्कुल शोर नहीं है यहाँ पर। अब सही लग रहा है आपको खाना? बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है। बस चलो अब आप खा लो आराम से, फिर हम चलेंगे, जो जैसा आज आप कहेंगे आप वैसा हो। क्योंकि आपने कहा था कि स्लिप मैंने तुम्हारे साथ करना है, बस ऐसा ही है। तो बस अब हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं, बाकी मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया हमारा, और अच्छा आउट है, हाँ। और हम नींद भी आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बस अब हम लोग रूम में जाएंगे, चेंज वेंज करके सो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ देख कर के सोएंगे। तारक मेहता में देखूंगी, बाकी उम्मीद है कि आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।